नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कहानियां या फिर किस्से वक्त के साथ एक ना एक दिन सब धूमिल हो ही जाते हैं। ऐसे में या तो फिर उनकी पुण्यतिथि या कोई सम्मान ही ऐसी वजह बनता है जब उन्हें याद किया जाता है। बात अगर हम अपनी आज़ादी की करें तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए वीर सपूतों ने अपनी जान तक गंवा दी, अपना खून बहाया और अपना बलिदान दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हमें याद हैं, वहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में इतिहास में कहीं दर्ज होना तो बहुत दूर की बात है, उनका नामो निशान तक नहीं है। मतलब इतिहास में उनका नाम तक कहीं दर्ज नहीं किया गया है। जैसे कि अजीजून बाई, हुसैनी, गौहर जान या फिर हुसनाबाई, ये वो नाम हैं जो आम इंसानों की दुनिया में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। वजह है बस इनका तवायफ होना, क्योंकि तवायफों की दुनिया आम इंसान से काफ़ी परे होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं उन वीरांगनाओं के बारे में जिन्हें कभी भारत में वीरांगनाओं का दर्जा तो नहीं मिला। उन्होंने देश को आज़ाद कराया उसके बाद भी, मगर फिर भी चलिए उन्हें तवायफों का दर्जा तो मिला। 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जब देश में आज़ादी के लिए कई आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें कई पहलू भी हैं, लेकिन इसका एक पहलू ऐसा भी है जो आज तक अनजान है। ये पहलू है अजीजून बाई, जो कि पेशे से तो एक तवायफ थी, इसके बावजूद देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। जिस समय हमारे देश में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उस समय देश में कई जगह अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम छिड़ गया था। ऐसे में भारतीय सैनिकों ने कानपुर यानी कि कानपुर को अपने बस में करना चाहा, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को वहां से खत्म किया जा सके। हालांकि अंग्रेजी सैनिकों ने उन सबको घेर लिया और उस वक्त भारतीय सैनिकों के बीच में एक ऐसी योद्धा अजीजून बाई भी थी, जो मर्दाना कपड़े पहनकर हाथ में पिस्तौल लिए घोड़ों पर सवार होकर सभी को डटे रहने का आदेश दे रही थी। अजीजून बाई के बारे में वीडी सावरकर, एसबी चौधरी जैसे लेखकों ने भी लिखा है, साथ ही उनकी गौरव गाथा का वर्णन भी किया है। अफसोस है कि उनके बारे में किसी भी पाठ्य पुस्तक में जिक्र तक नहीं मिलता। आज भले ही अजीजून बाई का नाम अधिकतर लोग ना जानते हों, हाँ, मगर उनकी गौरव गाथा का वर्णन कानपुर की कस्बों की कहानियों में गूंजता रहता है। अजीजून बाई की तरह ही एक और गुमनाम नायिका है हुसैनी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। आजाद भारत की खातिर जहाँ एक और भारतीय सैनिक अंग्रेजों की जड़ों को कमजोर कर रहे थे, उस समय कानपुर के सतीचौर घाट पर कत्लेआम हुआ था। उस दौरान बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने कानपुर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। ऐसे में 15 जुलाई 1857 को देर शाम बीबी घर में कई लोगों ने मिलकर अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही अगली सुबह उनके शवों को वहां मौजूद कुएं में डाल दिया था। हुसैनी उन प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थी। उस दौरान हुए बीबी घर नरसंहार में लगभग 100 महिलाएं और बच्चों की हत्या की गई थी। बीबी घर गुलाम भारत में एक ऐसा किला था जहां अंग्रेजी अधिकारी आकर ठहरते थे। ऐसे में अंग्रेजी सेना और सिपाही सलाहकार उनके लिए भारतीय नारियों, बच्चियों को उनके पास भेजा करते थे। ठीक उसी तरह गौहर जान भी उन्हीं तवायफों में से एक थी जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए एक चिंगारी जलाई थी। विक्रम संपत ने गौहर जान के बारे में एक किताब माई नेम इज गौहर जान में लिखा है कि गांधी जी के ही कहने पर गौहर जान ने एक समारोह में राशि एकत्रित करने के लिए उसका आयोजन करवाया था, जिसमें गौहर जान ने शर्त रखी थी कि अगर गांधी जी समारोह में शामिल होंगे तो ही वो इसे निभाएंगी। हालांकि गांधी जी समारोह में नहीं पहुंच सके थे, इसके बावजूद गौहर जान ने समारोह संपन्न किया और जमा राशि आंदोलन की खातिर दान कर दी। इतिहास में इसी तरह की अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिन्हें दर्ज नहीं किया गया, जिन्हें बस धूमिल होने की खातिर यूं ही छोड़ दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी गांव के कस्बों, इलाकों और छोटे कहानीकारों ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा है। बेगम हजरत महल, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। शादी से पहले वो तवायफ थी, लेकिन तवायफ के साथ साथ
वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। कई लेख बताते हैं कि बेगम हजरत महल शादी से पहले तक एक तवायफ थी, जिनकी शादी बाद में नवाब वाजे से हुई। ऐसे में जिस समय अंग्रेजी सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की आर पार की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने निवासित पति की जगह ली थी। साथ ही उन्होंने उन सभी सेनानियों की मदद लखनऊ पर कब्जा करने में भी की थी। हालांकि ये कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा था। ये उस समय की बात है जिस समय हमारे देश में साहूकारों और अंग्रेजों के बनाए सामंतों का हुक्का चलता था। उस समय तवायफों के यहाँ हर शाम सभाएं लगती थी, अनेकों लोग उसमें शामिल होते थे। हालांकि तवायफों के देश प्रेम के चलते ये शामें अधूरी होने लगी और साल 1900 आते आते इनके समाज ने अपनी सामाजिक और आर्थिक जीवन की चमक खो दी। तवायफों के ऐसे और भी कई हिस्से हैं, लेकिन हमारा समाज तो उन्हें बस एक ही वजह से पहचानता है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ऐसी महिलाएं बड़ी ही मजबूत और स्वतंत्र होती हैं। फिर चाहे बात इतिहास की हो, या बात हो आज की, और या फिर बात हो भविष्य की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दी इंडियन नेस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप दी इंडियन नेस्ट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।